हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूं। तो नाज़रीन, सोने का रेट जो है वो फिर बुलंदियों को छूने लगा है और तमाम हदें पार करके 2,40,000 रुपये फ़ी तोले तक जा पहुँचा। अगर आलमी मार्केट की बात करें तो आलमी मार्केट में भी सोना ऊपर गया है। 1,943 वन ट्रॉय आउंस के ऊपर जो है वो आलमी मार्केट है। और लोकल मार्केट में जब आज जुमे का दिन स्टार्ट हो रहा है तो इस वक्त जो रेट ओपन हो रहा है वो हो रहा है 2,40,000 रुपये फ़ी तोला। जबकि प्रीवियस वीडियो में जो मैंने लास्ट कमेंट पिन किया था ना, वो मैंने 2,38,500 रुपये का किया था कि सोना ने फिर दोबारा 15 से 2,000 रुपये रिवर्सल किया था। और फिर उसके बाद जब आज जब बाज़ार ओपन होने जा रहा है तो जो सिचुएशन है वो 2,40,000 रुपीज़ की है। अगर इंटरबैंक की बात करें तो डॉलर जो है वो भी बुलंदियों से बातें कर रहा है। 305 रुपए में इंटरबैंक का रेट है और ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 327 रुपए से लेकर और 335 रुपए तक के रेट पे भी सेल परचेज और ट्रेड किया जा रहा है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि हमें करना क्या चाहिए, हमें ख़रीदना चाहिए क्या ये और महंगा होगा या हमें बेच देना चाहिए। तो वो बताने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दिया करें और जो है वो उससे मेरी थोड़ी सी करेज बढ़ेगी और मैं मज़ीद और अच्छा काम आप लोगों के लिए करने के लिए भरपूर कोशिश करूँगा। तो अब बात करते हैं कि जी हमें करना क्या चाहिए। देखिए जी, मैं पिछली तमाम वीडियोज़ में आप लोगों को यही बताता आ रहा था कि आप होल्ड कर लो। देखिए, मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में ये लगातार बताता आ रहा था कि वो लोग जिनकी बाइंग 220 से अबव है, 225 या 230 या 236 इस पैरामीटर में जिन्होंने सोना ख़रीद लिया था, वो इस वक्त सेफ एंड साउंड प्रॉफिट के अंदर हैं। और वो लोग जिन्होंने 210 और 215 के पैरामीटर में होल्ड किया हुआ है, वो तो बहुत ही अच्छी पोजीशन पर हैं। अगर वो चाहें तो अपना 50% जो है वो निकाल कर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और जहाँ डिप मिले फिर दोबारा ख़रीद कर और आगे अगर दोबारा महंगा हो तो मज़ीद प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी बाइंग 235 236 पे थी, वो लोग इस वक्त प्रॉफिट में हैं। और बहुत सारे कमेंट मुझे आते थे कि जो लोग ये कहते थे कि जी हम 235 236 पे हम चाह रहे हैं कि हम इसमें से निकल जाएं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो प्रॉफिट से जो है वो इससे निकल सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं कि देखिए, अगर 2,40,000 मार्केट का रेट चल रहा हो ना, तो 2,40,000 पे ही सोना नहीं बिकेगा। आपको जो वेंडर है वो प्राइस ऑफर करेगा 238, 237 या 239। जब इस तरह से पैनिक सिचुएशन होती है ना रेट की, तो तमाम लोग जो हैं वो अपने इंटरेस्ट का सोचते हैं, तो रेट में जो है ना वो 1,000 से 2,000 रुपये ऊपर नीचे का फ़र्क जो है ना वो लाजमी चलता है। तो आपने इससे परेशान नहीं होना, ये नॉर्मल बात है। अब मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त प्योर गोल्ड का रेट जैसे कि 2,40,000 रुपये का ओपन हुआ और जो पठूर है वो 2,37,000 रुपये में जो है वो ओपन हो रही है। अगर पर ग्राम की बात करें तो जो पीस का सोना है खालिस वो है 20,576 रुपये फी ग्राम, और जो पठूर वाला गोल्ड है लोकल रिफाइन किया हुआ वो है 20,318 रुपये फी ग्राम। तरीक़ेकार मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आपने 24 कैरेट से किसी भी कैरेट का रेट निकालना हो, आप उसको तकसीम 24 करके ज़रब उस कैरेट से दे दें, और अगर आपने ग्रामों का रेट खुद निकालना हो तो टोटल जो तोले की प्राइस है उसको 11,664 पर तकसीम करें तो आपके पास 1 ग्राम गोल्ड का रेट निकल आएगा। तो आज के दिन जो है वो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूँगा। आने वाले दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। एक तो IMF के रिलेटेड जो है, सेकेंडली एक स्ट्राइक की कॉल भी है, और दो चार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे प्राइस इफेक्ट हो सकती है सोने की भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस पर ज़रूर डिबेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।